दबाव की बातें कर रहा है, प्रेशर की बातें कर रहा है, बोझ की बातें कर रहा है। एक्चुअली प्रेशर और दबाव और बोझ जो है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। हेमा मालिनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर नहीं है। एक तो ये चीज़ है जो आपने जेहन में रखनी है, ये मुझे इसका डी डी जो है आप हेमा मालिनी से बनाए हैं, प्लांट की जो फैमिली है। तो बाकी मैंने लिख लिया इसके अंदर आपको जो इसकी परसेप्शन है। डॉक्टर राजेंद्र सरकार कहते हैं कि ये एलिमेंट्स मेरी प्रैक्टिस में नहीं आए, ये मैंने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उनकी जो परसेप्शन है जो हम इनको समझ के थोड़ा सा बनाई है वो ये है आपके सामने। फ्रेंसियन की उन्होंने लिखी है, कैन नॉट होल्ड माई सेल्फ टू एग्जिस्ट यू इट फॉर मी, वगैरह ये मतलब मैं खुद ही जो है वो इसको होल्ड कर सकता हूँ, तो ये काम जो है आप मेरे लिए पाप करें। मतलब मैंने जो देखा है जो इसके अंदर जो मैंने जो मेरी थोड़ी सी इस पर स्टडी है, ये कि मैंने ये देखा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर रहते हो प्रेशर महसूस करते हैं। कहते हैं मेरे कंधों पे डॉक्टर साहब बोझ है बहनों का, मेरे कंधे के ऊपर डॉक्टर साहब फैमिली का बोझ है, लेकिन ऊपर के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करेगा, जिम्मेदारियों की बातें करेगा, बोझ की बातें नहीं करेगा। तो ये है आपका डेबल पूरा हो गया आपका। अब ये हम करेंगे कि इन शाह बाकायदा केस, इवन जो मेरे अपने केस हैं वो भी, डॉक्टर साहब के केस भी। मैं डॉक्टर साहब के केस इसलिए रिपोर्ट ज़्यादा करता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा अथेंटिक केस होते हैं। मतलब मैं बतौर स्टूडेंट कोई मेरी कमियाँ रह सकती हैं, मैं नहीं चाहता कि कमियों वाले केस आपके सामने दिए जाएँ। अभी पिछले दिनों मेरा मैंने ऐसा मसला बताया था, मैंने अपने मसले को थोड़ा सा इस तरह से हल करने की कोशिश की है कि मैंने अपने आप को परफॉर्मेंस की रो में रख दिया, परफॉर्मेंस की रो में रख के। तो मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा एग्जैक्ट वे से लेकिन इससे मिलते जो तरीके से सवाल किया है कि मेरी जो तकलीफ है वो इस तरह से होती है, रात सोते हुए मुझे रात को जाग आती है और मैं जब उठता हूँ तो मेरी दर्द हो रही होती है। मैं जब टाइम देखता हूँ तो वो टाइम 1-2 बजे का होता है। तो मैंने मेरे अंदर बहुत सारे इश्यूज अर्जेंटम के हैं और मैंने फिर अर्जेंटम आर्ट्स को सिलेक्ट किया अपने लिए, तो ये मैं अगर तो इसी तरह से बहुत सारे केस मेरे बड़े अच्छे हो जाते हैं मतलब इस मेथड के ऊपर। बहुत सारे केसों में इस तरह से मुझे आना पड़ता है इस तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि सर का केस जो है ना हमारे लिए सिंबल है, हम एज इट इज़ उनके केस को फॉलो करें, क्योंकि हो सकता है आप में से कई साथी उसको फॉलो करके मुझसे भी ज़्यादा अच्छा केस ले सकें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँ कि नेक्स्ट उनके केसेस जो है वो क्योंकि जब इस पर केस आपको आ जाएंगे ना सारे, तो फिर आप ऐसे टाइम को भी समझ सकेंगे, आप पोलिनियम को भी अगर केस एक आ गया तो फिर सारे आप समझ आ जाएंगे।